नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पवन खंडल होम इकोनॉमिक्स में। और आज हम इस वीडियो में हमारा जो क्लास 8th का हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है उसको कंटिन्यू करेंगे। पहले वाले मेरे वीडियोस में मैं इस चैप्टर के बारे में काफ़ी कुछ बता चुका हूँ, और इसके पहले वीडियो में मैंने आपको इस चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताया जिसका नाम था सब्सिडरी अलायंस। और सब्सिडरी अलायंस में हमने बताया था कि किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी इंडियन किंग्स को अपने कंट्रोल में लेने का काम करती थी। दूसरा, इससे पहले के वीडियो में जो बताया दैट वाज अबाउट द टीपू सुल्तान, दैट इन मैसूर टीपू सुल्तान फाउट अगेंस्ट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ही फाउट 4 बैटल विद द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड फाइनली इन रंगापट्टनम ही डेड इन बैटल ड्यूरिंग बैटल ऑफ विथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब आप हम यहाँ ये समझेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी जिस तरीके से अपना जो पूरा एरिया था इंडिया के अंदर वो बढ़ाती जा रही थी और इंडियन किंग्स को आकर के वो हराती जा रही थी हर तरीके से, डिप्लोमेटिक वे से, इकोनॉमिक वे से, पॉलिटिकल जो कई तरह की उनकी पॉलिसीज थी वो ला करके। अब उनका सामना जो हुआ वो मराठों से हुआ, तो कैसे क्या हुआ वो हम इसमें पढ़ेंगे। देखिए, फ्रॉम द लेट 18th सेंचुरी द कंपनी आल्सो साउट टू कर्ब एंड इवेंचुअली डिस्ट्रॉय मराठा पावर विद देयर डिफीट इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इन 1761 द मराठास ड्रीम रूमिंग फ्रॉम दिल्ली वाज शैटर्ड। और हम यहाँ देखते हैं कि 1761 में एक बार हुआ, 1761 में वार हुआ, बैटल हुआ पानीपत का, जिसमें मराठे हार गए। और जो मराठों ने एक ड्रीम वो देख रहे थे कि वो दिल्ली से इंडिया के काफ़ी बड़े हिस्से को अपने कंट्रोल में करेंगे, वो उनका जो ड्रीम था वो पूरा नहीं हुआ। देवर डिवाइडेड इनटू मेनी स्टेट्स अंडर डिफरेंट शेफ्स सरदार्स बिलोंगिंग टू डेंसिटी सच ए सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ एंड भोंसले। अब जो मराठे थे उनकी जो पावर थी शिवाजी तक के टाइम में वो एक जगह थी, लेकिन उसके बाद ये पावर उनके जो सरदार थे अलग अलग उनके एक तरह से हम कह सकते हैं कि ब्रांचेस मराठों की हो गई। और ये जो डेंसिटीज़ थी, जो डिफरेंट डेंसिटीज़, वो कौन सी थी? सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोंसले। तो इस तरीके से मराठों की पावर डिवाइड हो गई और इसी का फ़ायदा ईस्ट इंडिया कंपनी ने उठाया। दीज चीफ्स वर हेल्ड टुगेदर इन अ कॉन्फिडरेसी अंडर अ पेशवा हु बिकेम इट्स इफेक्टिव मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बेस्ड इन पुणे। और ये जो चारों डेंसिटी थी मराठों की, ये जिसके अंडर में आती थी वो था पेशवा, उसको हम प्रिंसिपल मिनिस्टर बोलते हैं। और वो हु बिकेम इट्स इफेक्टिव मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बेस्ड इन पुणे। और जो पेशवा था वो पुणे से, यानी कि पुणे से वो इन सारे जो एजेंट थे या जो सरदार थे उनको कंट्रोल करता था। महाजी सिंधिया एंड नाना फडणवीस वर टू फेमस मराठा सोल्जर्स एंड स्टेट्समैन ऑफ द लेट 18th सेंचुरी। ये जो मराठों के दो फेमस सोल्जर थे। द मराठास वर सबड्यूड इन अ सीरीज ऑफ वार्स। जो मराठा थे वो धीरे धीरे कई वार उनके हुए और उन वार्स में वो जैसे धीरे धीरे हारते गए। इन द फर्स्ट वार दैट एंडेड इन 1782 विद द ट्रीटी ऑफ सालबाई देर वॉज नो क्लियर विक्टर। जो पहला युद्ध हुआ, पहली बैटल हुई, पहला वार हुआ मराठों के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो 1782 में हुआ और इसमें किसी की भी कोई क्लियर विक्ट्री नहीं हुई। द सेकेंड एंग्लो मराठा वार जो हुआ 1835 में वॉज फाउट ऑन डिफरेंट फ्रंट्स रिजल्टिंग इन द ब्रिटिश गेनिंग उड़ीसा एंड द टेरिटरीज नॉर्थ ऑफ द यमुना रिवर इंक्लूडिंग आगरा एंड दिल्ली। और जो सेकेंड वार हुआ उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आप देखिए उड़ीसा का, आगरा का एरिया, उड़ीसा का एरिया और दिल्ली तक का एरिया ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ गया। फाइनली जो थर्ड वार हुआ एंग्लो मराठा वार ऑफ 1817-19 क्रस्ट मराठा पावर। और इसके बाद तो मराठा पावर जैसे पूरी तरीके से इंडिया से ख़त्म हो गई और ब्रिटिश का, ईस्ट इंडिया कंपनी का लगभग लगभग पूरे इंडिया में उनका कंट्रोल हो गया। द पेशवा वॉज रिमूव्ड एंड सेंट अवे टू
बिथुर नियर कानपुर के पास पेशवा को भेज दिया गया पुणे से विथ अ पेंशन उसको दे दी गई। द कंपनी नाउ हैड कंप्लीट कंट्रोल ओवर द टेरिटरी साउथ ऑफ द विंध्यास, यानी कि जो दक्षिणी भारत था, साउथ पार्ट था, जो अब तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में नहीं था, वहाँ तक भी अब उनकी पहुँच होना शुरू हो गई। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है द क्लेम टू पैरामाउंट सी। देखिए इसका मतलब क्या है। इट इज़ क्लियर फ्रॉम द अबव दैट फ्रॉम द अर्ली 19th सेंचुरी द कंपनी परस्यूड एन एग्रेसिव पॉलिसी ऑफ टेरिटोरियल एक्सपेंशन, यानी कि यहाँ पर अब ईस्ट इंडिया कंपनी एक ट्रेड कंपनी नहीं रही, बल्कि वो एक तरीके से एक जिसे हम कहें कि रूलिंग पार्टी की तरह काम करने लग गई, एक रूलिंग एजेंट या रूलिंग किंग की तरह काम करने लग गई, और उसने धीरे धीरे पूरे इंडिया को अपने कंट्रोल में कर लिया। अंडर लॉर्ड हॉस्टिंग्स जो कि गवर्नर जनरल था, और ये रहा 1813 से लेकर के 1823 तक के 10 सालों में, उसने एक नई पॉलिसी वो लेके आया और उस पॉलिसी का नाम था ए न्यू पॉलिसी ऑफ पैरामाउंट सी वाज इनिशिएटेड। नाउ द कंपनी क्लेम दैट इट्स अथॉरिटी वाज पैरामाउंट और सुप्रीम, और इस पॉलिसी का मतलब था कि पूरे इंडिया में जो है वो कंपनी की पॉलिसी सुप्रीम मानी जाएगी और उसी की बात को पूरे इंडिया में एक्सेप्ट किया जाएगा। हैंस इट्स पावर वॉज टुगेदर दैन दैट ऑफ इंडियन स्टेट्स इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इट्स इंटरेस्ट इट वॉज जस्टिफाइड इन एनेक्सिंग और थ्रेटनिंग टू एनेक्स एन एनी इंडियन किंगडम, और ललचा करके किसी राजा को या धमका करके किसी भी तरीके से वो उसके किंगडम को एनेक्स करना चाहते थे। एनेक्स का मतलब कि उस किंगडम को वो अपने कंट्रोल में लाना चाहते थे, अपने पावर में वो मिलाना चाहते थे। दिस व्यू कंटिन्यूड टू गाइड लेटर ब्रिटिश पॉलिसीज एज वेल। बाद में ये पॉलिसी जो पॉलिसी है कि सुप्रीम रहेगी ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिसी और एनेक्स करेंगे इंडियन स्टेट्स को किसी भी कीमत पर, वो भारतीय राजाओं को अपने कंट्रोल में लाना चाहते थे। ये पॉलिसी आगे तक ईस्ट इंडिया कंपनी की बनी रही। दिस प्रोसेस हाउएवर डिड नॉट गो अनचैलेंज्ड, किसी ने इसको चैलेंज नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल व्हेन द ब्रिटिश ट्राइड टू एनेक्स द स्मॉल स्टेट ऑफ कित्तूर, कर्नाटक के एक छोटे स्टेट को उन्होंने अपने कंट्रोल में लाने का प्रयास किया, तो रानी चन्नम्मा टुक टू आर्म्स एंड लेड एन एंटी ब्रिटिश रेजिस्टेंस मूवमेंट, तो उसने इसके खिलाफ एक तरह का मूवमेंट किया, ब्रिटिश रेजिस्टेंस मूवमेंट। शी वॉज अरेस्टेड 1824 में, उसको अरेस्ट कर लिया गया एंड डाइड इन प्रिजन 1829, और अंग्रेज़ों ने इसको जेल में डाल दिया और ये जो चिन्नम्मा है ये जेल में ही इसकी डेथ हो गई। बट रायना ए पुअर चौकीदार ऑफ संगोली इन कित्तूर कैरिड ऑन द रेजिस्टेंस, कुछ लोगों ने अलग अलग जगहों पर इसका प्रोटेस्ट किया, उसमें एक नाम यहाँ बताया गया है रायना का। विथ पॉपुलर सपोर्ट ही डिस्ट्रॉयड मैनी ब्रिटिश कैंप्स एंड रिकॉर्ड्स। He was caught and hanged by the British in 1830. You will read more about several cases of resistance later in the book. अब कहीं कहीं अभी तक तो उनका खुल के प्रोटेस्ट नहीं हो रहा था ब्रिटिशर्स का, लेकिन अब कहीं कहीं ब्रिटिशर्स का प्रोटेस्ट होना शुरू हो गया। लेकिन फिर भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया के एक बहुत बड़े पार्ट को अपने कंट्रोल में ले लिया। आगे देखेंगे कि इन द लेट 1830 द ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम वरिड अबाउट रशिया। अब एक रशिया का यहाँ पर पॉइंट आता है कि 1830 में ईस्ट इंडिया कंपनी रशिया के बारे में वरिड हुई। इट इमेजिन दैट रशिया माइट एक्सपेंड अक्रॉस एशिया एंड एंटर इंडिया फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट। ईस्ट इंडिया कंपनी को डर था कि नॉर्थ वेस्ट से होते हुए रशिया जो है वो इंडिया में आ सकता है। ड्राइवन बाय दिस फियर द ब्रिटिश नाउ वॉन्टेड टू सिक्योर देयर कंट्रोल ओवर द नॉर्थ वेस्ट। अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी जो है नॉर्थ वेस्ट में नहीं गई थी, लेकिन रशिया के फियर को देखते हुए कि रशिया इंडिया में एंटर हो सकता है, उन्होंने अपना कंट्रोल जो है नॉर्थ ईस्ट तक भी करना शुरू किया। दे फाउट अ प्रोलॉन्ग्ड वार विद अफगानिस्तान के साथ, उन्होंने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी बिटवीन 1838 से लेकर के 1842, यानी कि 4 साल तक की लड़ाई चली। एंड एस्टेब्लिश्ड इनडायरेक्ट कंपनी रूल देयर, और वहाँ पर भी कंपनी का रूल उन्होंने एस्टेब्लिश कर दिया। सिंध वाज टेकन ओवर द 1843 में, उन्होंने सिंध पर कब्जा कर लिया। नेक्स्ट इन लाइन वाज पंजाब, उसके बाद पंजाब में चले गए जो पाकिस्तान में आता है। बट द प्रेजेंस ऑफ महाराजा रणजीत सिंह, सॉरी ये अपने यहीं का पंजाब है, बट द प्रेजेंस ऑफ महाराजा रणजीत सिंह हेल्ड
पैक द कंपनी। लेकिन पंजाब में उस समय जो शासन था, जो रूलिंग थी, वो राजा रणजीत सिंह की थी और रणजीत सिंह को कंपनी हरा नहीं सकी। लेकिन उसकी डेथ के बाद, आफ्टर हिज डेथ इन 1839, टू प्रोलॉन्ग्ड वार्स वर फाउट विद द सिख किंगडम। अल्टीमेटली 1849 पंजाब वाज एनेक्स्ड, और उसके बाद 1849 में पंजाब को भी क्या कर लिया गया, ब्रिटिश किंगडम में मिला लिया गया। तो आप देखेंगे कि उधर उत्तर वेस्ट में, सॉरी ईस्ट में बंगाल आ गया, इधर नॉर्थ में अवध आ गया, कानपुर आ गया, इधर पूरा मराठा का एरिया आ गया, फिर ये कुछ साउथ का एरिया भी उनके कंट्रोल में आ गया, कुछ हिस्सा पंजाब का नॉर्थ ईस्ट का बचा था वो भी इनके कंट्रोल में आ गया। तो कुल मिलाकर के हम देख सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने करीब करीब पूरे भारत को अपने कंट्रोल में कर लिया। अब इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक हमें आता है, यहाँ हम पढ़ने जा रहे हैं, उसका नाम है द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अब समझिए क्या है, इसके ऊपर भी बच्चों बहुत बार क्वेश्चन आता है। द फाइनल वेव ऑफ एनेक्सेशन अकर्ड अंडर लॉर्ड डलहौजी, हु वाज द गवर्नर जनरल फ्रॉम 1848 टू 1856। यानी कि बचा कुचा जो भी एरिया था उसको मिलाने का अल्टीमेटली जो काम किया वो लॉर्ड डलहौजी ने किया। ही डिवाइज्ड अ पॉलिसी, उसने एक पॉलिसी वो लेके आया, टू बी नोन एज द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। द डॉक्ट्रिन डिक्लेयर्ड दैट इफ एन इंडियन रूलर डाइड विदाउट अ मेल हेयर हिज किंगडम वुड लैप्स, दैट इज बिकम अ पार्ट ऑफ कंपनी टेरिटरी। और ये कानून ये बनाया गया कि अगर कोई भारतीय राजा, कोई इंडियन जो रूलर है, वो बिना कोई, उसके मान लीजिए कोई बेटा नहीं है, उसका खुद का अपनी कोई संतान नहीं है, संतान में भी बेटा, तो उसका वंशज अगर कोई बेटा नहीं है तो जो उसकी किंगडम है वो लैप्स हो जाएगी। लैप्स हो जाएगी मतलब कि उस किंगडम को ब्रिटिशर्स अपने कंट्रोल में कर लेंगे। दैट इज़ बिकम पार्ट ऑफ कंपनी टेरिटरी। वन किंगडम आफ्टर अनदर वाज एनेक्स्ड सिंपली बाय एम्प्लाइंग दिस डॉक्ट्रिन। और ये पॉलिसी के थ्रू ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत सारे स्टेट्स को अपने कंट्रोल में वो करते चले गए। सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर और झांसी, इनके कुछ एग्जाम्पल हैं। फाइनली इन 1856 द कंपनी आल्सो टूक ओवर अवध। और 1856 में कंपनी ने किसको अडॉप्ट कर लिया, मतलब कंट्रोल में ले लिया, अवध को भी कंट्रोल में अपने ले लिया। दिस टाइम द ब्रिटिश हैड एन एडेड आर्ग्यूमेंट, दे सेड दे वर ऑब्लाइज्ड बाय ड्यूटी टू टेक ओवर अवध इन ऑर्डर टू फ्री द पीपल फ्रॉम द मिस गवर्नमेंट ऑफ द नवाब। एमन एनरेज्ड बाय द ह्यूमिलेटिंग वे इन विच द नवाब वाज डिपोज्ड, द पीपल ऑफ अवध जॉइंड द ग्रेट रिवॉल्ट दैट ब्रोक आउट इन 1857। और अवध के एरिए को या अवध की टेरिटरी को कंट्रोल में लेते समय ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये कहा कि हम अवध की जनता जो है, उस अवध की जो पीपल हैं, उनको बचा रहे हैं अवध के नवाब के, जो उनका मिस रूल था, उसका ख़राब शासन था, उससे वो उसको बचा रहे हैं। ऐसा कह करके उन्होंने अवध को भी अपने कंट्रोल में कर लिया। इसके बाद जो इसमें नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है, सेटिंग अप अ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन। अब इस तरीके से पूरे इंडिया को धीरे धीरे करके उन्होंने अपने कंट्रोल में कर लिया और एक यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का उन्होंने शुरू किया। और क्या शुरू किया, देखिए वॉरेन हास्टिंग्स जो था वो गवर्नर जनरल रहा 1773 से लेकर के 1785 तक। वाज वन ऑफ द मेनी इंपॉर्टेंट फिगर्स हु प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द एक्सप्रेशन ऑफ कंपनी पावर। तो वॉरेन हास्टिंग्स का इम्पोर्टेंट रोल माना जाता है इन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के टेरिटरी को बढ़ाने में। बाय हिज टाइम द कंपनी हैड एक्वायर्ड पावर नॉट ओनली इन बंगाल बट आल्सो इन बॉम्बे एंड मद्रास। ब्रिटिश टेरिटरीज वर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स कॉल्ड प्रेसिडेंसीज। अब उन्होंने ब्रिटिश टेरिटरीज को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरीज में एंड एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में, और उनको नाम दिया गया प्रेसिडेंसीज। और तीन मेन प्रेसिडेंसीज उस समय थी, जो थी बंगाल, मद्रास और बॉम्बे। ईच वाज रूल्ड बाय अ गवर्नर, हर किसी को कौन रूल करता था, एक गवर्नर करता था। और इन सब के ऊपर जो सुप्रीम एडमिनिस्ट्रेटर होता था या ऑफिसर होता था, उसका नाम होता था गवर्नर जनरल। वॉरेन हास्टिंग्स द फर्स्ट गवर्नर जनरल बना, जो कि इन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का फर्स्ट गवर्नर जनरल बना वॉरेन हास्टिंग्स। उसने सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स उसने इंडिया के अंदर शुरू किए, जिन्हें और इन द स्पेयर ऑफ जस्टिस, और किस नाम से उसने ये सब शुरू किया, स्पेयर ऑफ जस्टिस के नाम से उसने, मतलब एक तरह से
इन द स्पेयर ऑफ जस्टिस, मतलब जस्टिस के एरिए के हिसाब से हम ये समझे, यहाँ पर जस्टिस का मतलब सिंपल सा है कि वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन को, अपने प्रशासन को एक फॉर्म यूनिफॉर्मिटी लाना चाह रहे थे, और वो काम वॉरेन हॉस्टिंग ने किया। अब देखिए, फ्रॉम 1772 अ न्यू सिस्टम ऑफ जस्टिस वाज एस्टेब्लिश्ड, और जो इंडिया के अंदर जस्टिस सिस्टम जो पहले से चला आ रहा था उसको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बदल दिया, और 1772 में एक नया सिस्टम वो लेके आए। ईच डिस्ट्रिक्ट वाज टू हैव एन टू कोर्ट्स, और हर डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने दो कोर्ट एस्टेब्लिश किए, एक क्रिमिनल कोर्ट और एक सिविल कोर्ट। क्रिमिनल कोर्ट को फौजदारी अदालत भी कहते हैं और सिविल कोर्ट को दीवानी अदालत कहते हैं। आप समझ गए होंगे, क्रिमिनल कोर्ट में जो क्रिमिनल क्राइम से रिलेटेड मैटर हैं, जैसे कि किसी की मर्डर हो गया, चोरी हो गई, कोई दंगा हो गया, इस तरह के जो केस थे वो क्रिमिनल कोर्ट में सुने जाते थे, और किसी की संपत्ति का विवाद है, कोई पारिवारिक झगड़ा है, इस तरह के जो मुकदमे थे वो सिविल कोर्ट में यानी कि दीवानी अदालत में सुने जाते थे। मौलवीज एंड हिंदू पंडित्स इंटरप्रेटेड इंडियन लॉज फॉर द यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हु प्रेसाइडेड ओवर सिविल कोर्ट्स, और इन्होंने जो मौलवी और हिंदू पंडित थे वो इंटरप्ट करते थे भारतीय कानूनों को, फॉर द यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हु प्रेसाइडेड ओवर सिविल कोर्ट्स, और ये सिविल कोर्ट्स का जो जज होता था वो कलेक्टर होता था। द क्रिमिनल कोर्ट्स वर स्टिल अंडर अ काजी एंड मुफ्ती बट अंडर द सुपरविजन ऑफ द कलेक्टर, और जो फौजदारी अदालत थी या जो क्रिमिनल कोर्ट था उसका जो जज होता था उसको काजी बोलते थे या उसको बोलते थे मुफ्ती, लेकिन ये कंट्रोल में कलेक्टर के ही रहता था। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ब्रिटिश के ज़माने से ही कलेक्टर की जो पावर है वो बहुत ज़्यादा रही है, और आज भी वही चीज़ हम इसको देखते हैं कि कलेक्टर ही सारे डिस्ट्रिक्ट की पावर को होल्ड करता है। आगे देखते हैं कि मेजर प्रॉब्लम वाज दैट द ब्राह्मण पंडित्स गेव डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ लोकल लॉज बेस्ड ऑन डिफरेंट स्कूल्स ऑफ द धर्मशास्त्र। अब जो पहले भारत में न्याय प्रणाली थी वो भारतीय धर्मशास्त्र के आधार पर थी, इट वाज बेस्ड ऑन द इंडियन धर्मशास्त्र, एंड इंडियन पंडित इंटरप्रिटेट द डिफरेंट रूल्स लॉज विच वर मेड इन द धर्मशास्त्र इन अ डिफरेंट वे, वो अलग अलग तरीके से उसकी व्याख्याएं करते थे। तो टू ब्रिंग अबाउट यूनिफॉर्मिटी इन 1775 11 पंडित्स वर आस्क्ड टू कंपाइल अ डाइजेस्ट ऑफ हिंदू लॉज एंड बी अलर्ट ट्रांसलेटेड दिस डाइजेस्ट इन टू इंग्लिश बाई 1778 ए कोड ऑफ मुस्लिम लॉ वॉज ऑल्सो कम्पाइल्ड फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द यूरोपियन जजेस। अब यूरोपियन जजेस को वहाँ कोर्ट्स में बिठाया गया ताकि वो क्या कर सकें, जो भी मुकदमे आते थे उनका फैसला वो कर सके, लेकिन क्योंकि इंडिया के अंदर पहले से एक न्याय प्रणाली चल रही थी दैट वर बेस्ड ऑन डिफरेंट रिलीजन, चाहे वो हिंदुओं के रिलीजन हो चाहे वो मुसलमानों के रिलीजन हो, तो ब्रिटिश लोगों ने क्या किया कि अलग अलग धर्मों के कुछ खास खास लोगों को लेकर के उन्हें ये कहा कि आप अपने अपने धर्म से संबंधित जो मुख्य मुख्य नियम हैं, मुख्य मुख्य बातें हैं, उनके क्या कर लो, एक तरह से उनको कलेक्ट कर लो, उन सब कानूनों को एक जगह इकट्ठा कर लो, और वो बने जैसे हिंदू लॉज बने और इधर मुस्लिमों के अंदर वो मुस्लिम लॉज बने, और ये लॉज हिंदू लॉज और मुस्लिम लॉज जजेस को दिए गए ताकि वो जब वो जजमेंट करें, वो जस्टिस करें, तो उनको उसकी प्रॉपर हेल्प मिल सके। अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 अ न्यू सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टेब्लिश, और एक सुप्रीम कोर्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाया। ये देखिए, ये सब बातें 1773 की बात है जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक उन्होंने बना दिया। द प्रिंसिपल फिगर इन इंडियन डिस्ट्रिक्ट वाज द कलेक्टर, और जो अभी भी जैसे मैंने जस्ट कहा कि अंग्रेजों के समय से ही एक डिस्ट्रिक्ट का जो सबसे इम्पोर्टेंट अधिकारी था वो या है वो कौन था, कलेक्टर था। एज अ लिटिल सजेस्ट इज मेन जॉब वाज टू कलेक्ट रेवेन्यू, उसका मेन जॉब क्या था, रेवेन्यू को कलेक्ट करना था, टैक्सेस को कलेक्ट करना था, और मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन द डिस्ट्रिक्ट विद द हेल्प ऑफ जजेस पुलिस ऑफिसर्स एंड दरोगाज। हिज ऑफिस द कलेक्ट्रेट बिकम द न्यू सेंटर ऑफ पावर एंड पेट्रोनेज दैट स्टेडली रिप्लेस्ड प्रीवियस होल्डर्स ऑफ अथॉरिटी। और ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में एक किसी एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में एक नया एपिक सेंटर ऑफ पावर, सत्ता का एक केंद्र उभर करके आया, और ये जो सत्ता का केंद्र था या पावर का जो केंद्र था, सेंटर था,
ये था कलेक्ट्रेट ऑफिस और इसका जो हेड होता था वो होता था कलेक्टर। आगे देखिए नेक्स्ट हमारा आता है द कंपनी आर्मी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी आर्मी भी रखना शुरू किया। कॉलोनियल रूल इन इंडिया ब्रॉट इन सम न्यू आइडियाज़ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिफॉर्म, बट इट्स पावर रेस्टेड ऑन इट्स मिलिट्री स्ट्रेंथ। अल्टीमेटली पावर कहाँ से आती, उसकी जो सैन्य शक्ति जैसे हम कहते हैं उसी से आती। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया था कि मुगल आर्मी वाज मेनली कंपोज ऑफ कैवलरी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो पुरानी इंडिया की जो सैनिक सिस्टम था, जो सोल्जर सिस्टम था, जो या हमारे पर यहाँ की जो सेनाएं थी, उसमें भी कई तरीके के रिफॉर्म्स उन्होंने किए। द मुगल आर्मी वाज मेनली कंपोज ऑफ कैवलरी। कैवलरी का मतलब होता है सवार, यानी कि जो पैदल सेना होती है, ज़्यादातर हमारे सैनिक उसी तरीके के थे। और ट्रेंड सोल्जर्स ऑन हॉर्स बैक एंड इन्फेंट्री, और जो ट्रेंड सोल्जर होते थे वो घोड़ों पे चलते थे, और एक इन्फेंट्री होती थी यानी कि हथियार रख के जो चलती है यूनिट वो होती थी, दैट इज़ पैदल सोल्जर्स। सॉरी, कैवलरी तो थे सवार और पैदल होते थे जो बिना घोड़ों के चलते थे। दे वर गिवन ट्रेनिंग इन आर्करी, यानी कि तीरंदाजी में उनको ट्रेनिंग दी गई, एंड द यूज़ ऑफ द शॉर्ट, तलवार वो चलाते थे। द कैवलरी डोमिनेटेड द आर्मी एंड द मुगल स्टेट डिड नॉट फील द नीड टू हैव अ लार्ज प्रोफेशनली ट्रेंड इन्फेंट्री। मुगलों ने कोई लार्ज ट्रेंड इन्फेंट्री की रिक्वायरमेंट नहीं समझी, और उनकी जो सेना होती थी उसमें मेन जो इम्पोर्टेंट जो रोल प्ले करता था वो कैवलरी करता था। द रूरल एरियाज हैड ए लार्ज नंबर ऑफ आर्म्ड पीजेंट्स एंड लोकल जमींदार्स ऑफन सप्लाइड द मुगल्स विद पैदल सोल्जर। और गांवों से और ज़मींदारों से मुगल जो आर्मी थी उसको पैदल सोल्जर्स अवेलेबल करा दिए जाते थे। ए चेंज अकर्ड इन 18th century। अब आप देखिए कि 18th century के अंदर एक चेंज सामने आया, और वो क्या चेंज सामने आया, व्हेन मुगल सक्सेसर स्टेट्स लाइक अवध एंड बनारस स्टार्टेड रिक्रूटिंग पीजेंट्स इनटू देयर आर्मीज एंड ट्रेनिंग देम एज प्रोफेशनल सोल्जर्स। जो अवध और बनारस में जो लोग, मतलब जो राजा थे मुगल सक्सेसर जो हुए इनके, यानी कि मुगलों के बाद जो अवध और बनारस में जो राजा बने, उन्होंने आर्मीज को ट्रेनिंग देना शुरू किया, प्रोफेशनल सोल्जर उन्होंने रखना शुरू किया। द ईस्ट इंडिया कंपनी अडॉप्टेड द सेम मेथड व्हेन इट बिगन रिक्रूटमेंट फॉर इट्स ओन आर्मी। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी इसी तरीके से सैनिकों की भर्ती, रिक्रूटमेंट का मतलब होता है भर्ती करना, तो सैनिकों की भर्ती शुरू की, विच केम टू बी नोन एज अ सिपॉय, और उनको नाम क्या दिया, सिपॉय। एज वारफेयर टेक्नोलॉजी चेंज फ्रॉम द 1820 से वारफेयर टेक्नोलॉजी भी चेंज हुई। द कैवलरी रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनीज आर्मी डिक्लाइंड। अब आर्मी ने जो कैवलरी थे यानी कि जो घुड़सवार थे उनको ज़्यादा उन्होंने इम्पोर्टेंस नहीं दी। दिस इज़ बिकॉज द ब्रिटिश एम्पायर वॉज फाइटिंग इन बर्मा, अफगानिस्तान एंड इजिप्ट, वेयर सोल्जर्स वर आर्म्ड विथ मस्केट्स एंड मैचलॉक्स। तो देखिए, मस्केट्स और मैचलॉक्स का मतलब होता है, मस्केट होता है ए हैवी गन है यूज बाय इन्फेंट्री सोल्जर, और जो मैचलॉक है इसका मतलब होता है एन अर्ली टाइप ऑफ गन इन विच द पाउडर वाज इग्निटेड बाय मैच। यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सोल्जर थे वो बड़ी बड़ी गन्स लेकर के चलते थे, और उनको घोड़ों पे लेके चलना पॉसिबल नहीं था। तो द सोल्जर ऑफ द कंपनी आर्मी हैड टू कीप पेस विद चेंजिंग मिलिट्री रिक्वायरमेंट्स एंड इंटेंट्री रेजिमेंट नाउ बिकम मोर इम्पॉर्टेंट। तो इनकी जो इंटेंट्री रेजिमेंट थी वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गई, यानी कि जो घुड़सवार की सेना मुगलों के समय की थी वो अब उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं रही। और इन्होंने यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो अपनी सेना बनाई उसमें ज़्यादा जोर उन्होंने फोकस जो किया वो किस पर किया, हथियारों पर किया, इन्फेंट्री पे किया। इन द अर्ली 19th century द ब्रिटिश बिगेन टू डेवलप अ यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर, और पूरे इंडिया में उन्होंने एक यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर डेवलप किया। एक जैसी उनकी यूनिफॉर्म होती थी, एक जैसी उनकी ट्रेनिंग होती थी, एक जैसा उनका वेतन होता था, पेमेंट होती थी, रिक्रूटमेंट होता था। सोल्जर्स वर इंक्रीजिंगली सब्जेक्टेड टू यूरोपियन स्टाइल ट्रेनिंग, उनको यूरोपियन स्टाइल में ट्रेनिंग दी गई, ड्रिल और डिसिप्लिन उनको सिखाया गया। रेगुलेटेड देयर लाइफ फार मोर देन बिफोर, और उनकी लाइफ को बिल्कुल एक रेगुलेट डिसिप्लिन में सारा उनको सिस्टम में डाला गया। ऑफन दिस क्रिएटेड
प्रॉब्लम सिंस कास्ट एंड कम्युनिटी फीलिंग्स वर इग्नोर्ड इन बिल्डिंग अ फोर्स ऑफ प्रोफेशनल सोल्जर्स। लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया में एक प्रोफेशनल सोल्जर्स तैयार किए, तो क्योंकि हम बात कर रहे हैं 18 सेंचुरी की, या उस समय पर कास्टिज्म बहुत ज़्यादा था, तो उन्होंने इस चीज़ को इग्नोर कर दिया। कुड इंडिविजुअल सो इजीली गिव अप देयर कास्ट एंड रिलीजियस फीलिंग्स। लेकिन भारत में जो लोग थे वो अपनी कास्ट की फीलिंग को बड़े आसानी से नहीं छोड़ सकते थे। इसलिए व्हाट डिड द सिपाही फील, उन्होंने जो फील करना शुरू किया कि जो भारत के जो सिपाही थे, यानी कि जो सिपाही थे, सोल्जर्स थे, वो धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ होने लगे। देयर सेंस ऑफ हु दे वर, द रिवोल्ट ऑफ 1857 गिव अस अ ग्लिम्प्स इनटू द वर्ल्ड ऑफ सिपाही। और यही जो सिपाहियों का या सोल्जर्स का जो प्रोटेस्ट था, या उनके खिलाफ जो ईस्ट इंडिया कंपनी के उनके दिमाग में उनके खिलाफत थी, यही 1857 के रिवोल्ट का रीज़न बनी, जो हम अपने अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। और एट लास्ट जब हम कंक्लूजन देखते हैं, तो दस द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ ट्रेडिंग कंपनी टू टेरिटोरियल कॉलोनियल पावर, कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में इंडिया में ट्रेड करने के लिए आई थी, लेकिन वो एक टेरिटोरियल कॉलोनियल पावर बन गई, यानी कि उसने पूरे इंडिया को अपने कंट्रोल में कर लिया। द अराइवल ऑफ न्यू स्टीम टेक्नोलॉजी इन द अर्ली 19th सेंचुरी आल्सो एडेड दिस प्रोसेस, एंड टिल देन इट वुड टेक एनीवेयर बिटवीन 6 and 8 months टू ट्रेवल टू इंडिया बाय सी। स्टैम्प शिप्स रिड्यूस द जर्नी, और स्टैम्प के शिप आ गए, उससे उनकी जर्नी क्या हो गई, छोटी हो गई। और स्टीम टेक्नोलॉजी, यानी कि जो रेल हमारे कंट्री में आया, उससे भी ईस्ट इंडिया कंपनी को फ़ायदा मिला। और 3 weeks enabling more Britishers and their families to come to far off country like India। By 1857 the company came to exercise direct rule over about 63% of the territory and 78% of the population of the Indian subcontinent। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि 1857 तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, या अंग्रेज़ जो थे, उन्होंने भारत के लगभग 63% एरिया को अपने कंट्रोल में कर लिया और 78% पॉपुलेशन को अपने कंट्रोल में कर लिया। कंबाइंड विद इट्स इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन द रेमेनिंग टेरिटरी एंड पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, द ईस्ट इंडिया कंपनी हैड वर्चुअली द होल ऑफ इंडिया अंडर इट्स कंट्रोल। और इनडायरेक्टली रिमेनिंग पार्ट को भी उन्होंने अपने कंट्रोल में रखा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 1857 तक कंप्लीट इंडिया जो है, पूरा जो भारत है, वो लगभग ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में आ गया। इस तरीके से हमारा ये चैप्टर पूरा हुआ। इसको 3 या 4 वीडियो में मैंने इसको कंप्लीट किया है। आप इन्हें देखते रहिए, और अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।